हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी नया कोर्स की एक्सरसाइज 5.3 जो है वो चल रही है। अगर आपने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हुए हैं, इसके पहले वाले जो चैप्टर हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए आज की एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा 19वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है 200 लट्ठे ठीक है के ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। ठीक है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कितने लट्ठे हैं। तो उन्होंने योग जो है ऑलरेडी हमको बता दिया है। अब हमको पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब एन जो है वो हमको पता ही नहीं है। बस इन्होंने टोटल योग जो है वो हमको बता दिया है कि 200। अब ये कह रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब हमको मतलब सबसे ऊपरी वाली पंक्ति जो है ठीक है ए एन, वो हमें बताना है कि वो क्या है। इतनी चीजें जो है वो हमसे पूछ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमको ये जो जैसे कि पहली वाली जो पंक्ति है उसमें इन्होंने कितने लट्ठे बताए हैं, 20 लट्ठे बताए हैं। दूसरी पंक्ति में उन्होंने 19 लट्ठे बताए हैं, फिर इन्होंने 18 बताए हैं। ऐसे ही अगली पंक्ति में हमारे कितने होंगे, 17 होंगे। ऐसे एक एक कम होता जाएगा। तो हम इसको जब ध्यान से देखते हैं तो हमारी ये क्या बना रही है, एक एपी बना रही है। ठीक है, 20 18 घटते क्रम में एक एपी बना रही है। ठीक है, इस तरीके से ये चल रही है। कहाँ तक चल रही है, ए एन तक चल रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या पता है, एस एन पता है। ठीक है, क्या पता है, एस एन पता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ठीक है, क्या लिखेंगे, एन बाई टू, बिगड़ जाओ भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इनटू में डी। ठीक है, एन तो पता नहीं है, ए भी हमको पता चल गया है 20 है। डी निकाल लेते हैं, क्या करेंगे 20 में से, मतलब 20 में से यहाँ पे हमारा 19 होना चाहिए, हम यहाँ पे 19 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 19 भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 19 में से 20 को घटा दो या 17 में से 18 घटा दो। इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है वो एक ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही चीज लिख लेते हैं, हम 19 में से 20 को घटा लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा। अब हमें डी भी पता है, एन नहीं पता है, तो सारी वैल्यू जो जो हमको पता है वो यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे हम 200 लिख लेंगे, एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एन ही लिख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकाल दी। ठीक है, 2a की वैल्यू हमारी 20 है, प्लस लगा देंगे एन माइनस वन, लिखा रहने देंगे, डी की वैल्यू हमारी माइनस का वन। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस दो को उधर भेज देते हैं चाहे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इधर हमारा एन रह गया है, अब हमारा क्या है, 10 दूनी मतलब 20 दूनी 40 हो गया, और एन माइनस वन जो है यहाँ पे हमारा माइनस वन से जब इस पूरे ब्रैकेट की गुणा होगी तो एन जो है माइनस का हो जाएगा, वन जो है वो हमारा प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले, चलो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जिसमें हमारे पास लिखा है 400 इज इक्वल टू एन इंटू 40 माइनस एन प्लस वन। ठीक है, ये है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया क्वेश्चन को, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे हम 400 को लिखा रहने देंगे, एन लिखा रहने देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 41 माइनस का एन। अब हम एन की, ये जो बाहर एन है इसके अंदर गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चलो गुणा कर देते हैं, 41 एन माइनस का एन स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा 400 था। ठीक है, ये हमारी एक द्विघात समीकरण हो गई है, एन स्क्वायर को हम पॉजिटिव कर लेंगे। पॉजिटिव कैसे होगा, जब इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस में 400 तो ऑलरेडी उधर था तो प्लस में ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो श्री चद्धराचार्य विधि लगा दो, चाहे तो आप लासा लेके कर लो। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगी जब बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, तो आप श्री धराचार्य
विधि लगाओ तो इससे क्या हो जाता है, जैसे कि ए हम ढूंढते हैं तो ए एन स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, 1 हो गया। बी की बात करते हैं तो माइनस का 41 है। सी की बात करते हैं तो ये हमारा 400 है। ठीक है, देखना श्रीधराचार्य विधि से कितनी आसानी से आ जाएगा। अब हमें कुछ भी मतलब अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। बस हम उस श्रीधराचार्य विधि वाला जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, जो कि होता है बी इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एन इज इक्वल टू लिख देते हैं, एन इज क्योंकि एन हमारा टर्म है तो एन ही लिखेंगे। ठीक है, एन इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दिखने में ये फॉर्मूला भले ही बहुत बड़ा लगता है पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माइनस बी, माइनस तो ऑलरेडी था, ठीक है, फॉर्मूले में था और b का मान भी हमारा माइनस में था, तो माइनस का 41 कर दिया, प्लस माइनस लगा दिया, बी स्क्वायर तो b का स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 41 का स्क्वायर कर लेते हैं। हमने आपको ये चीज ट्रिक जो है वो सिखाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, एक कम एक जोजस बेसिक मैथ हमारा चैनल है, वहां पे हम ट्रिकी मैथ और बेसिक मैथ पढ़ाते हैं, वहां पे आप सीख सकते हो ये सारे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1681 हो जाएगा। ठीक है, 1681 हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे 1681। इसको सही से लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, लिख कहीं और रहे हैं, लिख कहीं और रहे हैं। 1681 माइनस का 4ac, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, सी की वैल्यू 400 है। ठीक है, अपॉन में हमारा हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं तो आगे हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये माइनस का 41 था, ये हमारा प्लस का 41 हो जाएगा, प्लस माइनस कर देंगे। अब हमारा 4 चौक 1600, ठीक है, 1681 में से 1600 हमारा घट जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 1681 था, इसमें से हमारा 1600 जो है वो हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो 1600 हम यहाँ पे लिख देंगे, पूरा पूरा 1600 लिख दिया और बटे में हमारा क्या था, 2 था, 1 से मल्टीप्लाई हुए तो 2 हो गया। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और हम एक एक स्टेप को बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो, आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो हमारा n इज इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा, 41 प्लस माइनस 1681 में से 1600 घट जाएगा तो हमारा 81 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 2 चल रहा था, 2 इसके बटे में भी लिख दो, चाहे तो पूरे के बटे में 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पूरे के बटे में ही हम 2 लिख दे रहे हैं, अभी बाद में इसको हम कर लेंगे। तो 41 प्लस माइनस 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 81 का वर्गमूल होता है 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 9 लिख देंगे, बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 वैल्यू है, एक बार हम प्लस को लेकर चलेंगे, एक बार माइनस को लेकर चलेंगे। तो एन की हमारी 2 वैल्यू निकलेंगी, एक तो 41 प्लस 9 बटे में 2, एक हमारी निकलेगी एन की वैल्यू 41 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था इसलिए दोनों ही वैल्यू हम लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 41 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 50 बटे में 2 मतलब 25 आ जाएगा। एक एन की वैल्यू 25 आ गई, दूसरे एन की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, 11 में से 9 गया, हमारा बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ पे 3, 32 बटे में 2 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आई, हमें तो एक वैल्यू चाहिए है ना, तो n इज इक्वल टू 25 आया है, एक n इज इक्वल टू 16 आया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा लेना है, तो हम इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये कह रहे थे कि लट्ठे जो है टोटल कितने हैं, 200 है। ठीक है, लट्ठे जो है टोटल 200 है, तो n की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमने किया क्या था, यहां से देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हम यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे थे, यहां से हमें n की वैल्यू पता चली, पर n की वैल्यू जो है वो हमें 2 पता चली। तो अब हम क्या पता करेंगे, इन्होंने कहा था कितने पंक्ति है, अभी हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है, हमें n की तो 2 वैल्यू पता चली है, तो हमें तो एन चाहिए था जो कि हमारा अभी फाइनल नहीं है। अब हम ए एन निकालेंगे, ए एन कैसे निकलेगा, ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन
इंटू में डी, ठीक है, दोनों की वैल्यू एक बार हम रख के देखते हैं। तो ए हमारा कितना था, ए हमारा 20 था, प्लस कर दिया एन, पहले हम इस बार हम क्या रख रहे हैं, एन इज इक्वल टू 25 लेकर चल रहे हैं, ठीक है, एन इज इक्वल टू 25 लेकर चल रहे हैं। तो एन की जगह पे 25 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, और डी की वैल्यू हमारी कितनी थी, एक थी, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 1 कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 20 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 24, 24 की हमारी माइनस एक से जब गुणा होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो जब हमारी 24 की माइनस एक से गुणा होगी तो माइनस का 24 आ जाएगा, घटाएंगे इसको तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 आ जाएगा, आ रहा है वैल्यू। तो अगर किसी चीज की संख्या की बात करें तो वो माइनस में नहीं हो सकती, मतलब एन इज इक्वल टू 25 तो नहीं ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 16 रख कर देखते हैं। तो एन इज इक्वल टू 16 रख के देखेंगे तो ए एन निकालना है, ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे इंटू में डी। तो ए हमारा है ये 16, ए की वैल्यू हमारी क्या है, 20 थी, और एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमारी कितनी है, हमने रखी 16 माइनस का ए, माइनस 1 इसकी वैल्यू है डी की। तो सॉल्व करेंगे 20 प्लस ये हमारा 15 आया, 15 की हमारी जब गुणा हुई माइनस के एक से तो माइनस का 15 हो गया। अब हमारा यहाँ पे हमने देखा ये कितना आ गया है, 5 आ गया है, मतलब ए 16 जो है वो हमारा कितना आ गया है, 5 आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा था लास्ट वाली लाइन में कितने हैं हमारे, वो है कितने हैं लट्ठे, तो लास्ट वाली लाइन में 5 लट्ठे हैं, और कुल पंक्ति कितनी बन रही है, 16 पंक्ति बन रही है। तो इस चीज को प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे यहां लट्ठों की कुल कितनी पंक्तियां हैं, यहाँ पे लिख देंगे 16 पंक्तियां हैं, ठीक है, 16 पंक्तियां हैं। फिर यहां पे लिख देंगे तथा आखिरी या लास्ट लिख देंगे, ठीक है, आखिरी पंक्ति में है, क्या है, 5 लट्ठे हैं। तो इसको हम रेड से लिख देते हैं, 5 लट्ठे हैं, ठीक है, और इसको कर देंगे ब्लॉक में बंद इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो हमारा क्या है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा है, सॉल्व करेंगे पर इतना बड़ा नहीं है, पर इसको तो थोड़ा ध्यान से सीखना होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको ये हमारा हैंड रिटन नोट्स सारी की सारी बुक्स बिल्कुल फ्री में चाहिए तो हमारे प्ले हमारे ऐप पे चले जाना, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, पर आपको प्ले स्टोर में जोजस स्टडी सर्च करना है, जिसे तुरंत आ जाएगा, ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर में पहुंच जाना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। तो प्रारंभिक स्थान पे क्या रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पे देख लेते हैं, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, जो पहला आलू है इससे ये जो दूरी जो है कितनी है, 5 मीटर की दूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं तथा अन्य आलुओं को एक सीध में सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है, कितने आलू हैं, मतलब एन की वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई है 10 है। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इस प्रतियोगी को कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी। फिर इन्होंने कहा है पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी 2 × 5 प्लस 2 × 5 + 3, इन्होंने एक उदाहरण बताया है, ठीक है। हमको पता है कैसे क्या करना है, हमें इनके संकेत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि इसने ये वाला आलू जो है उठाया, इसमें डाला, पहले यहां से यहां तक आई फिर वापस डालने गई, दूसरा वाला आलू उठाने के लिए यहां तक आई, आलू उठा के फिर वापस गई, तीसरा आलू उठाने के लिए यहां आई फिर उठा के वापस गई, फिर डाल के फिर से यहाँ पे आई चौथा आलू उठाने के लिए, चौथा पांचवा, ऐसे आ रही है जा रही है, बार बार ये आने जाने वाला काम कर रही है। अब उनको बताना है कि भैया उसने टोटल दूरी जो है कितनी चली,
ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले पहले के लिए 5 मीटर की दूरी है, तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां क्या सीरीज बन रही है? तो हमारी सीरीज जो बन रही है वो क्या बन रही है? पहले आलू के लिए कितनी दूरी है? 5। दूसरे आलू के लिए क्या दूरी बन रही है? 5 + 3। अगर तीसरे आलू के लिए देख लेते हैं, 5 + 3 + 3 बन रही है। चौथे आलू के लिए अगर हम देखते हैं, 5 + 3 + 3 + 3, इस तरीके से ये हमारी दूरी जो है वो बन रही है। अब इतना हमारा देख लिया। अब लास्ट इन्होंने बताया था 10 आलू है, तो इसको अगर आप निकालोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप निकाल लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे आपकी बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं, ये हमारा कितना है? 5 आया है, ये हमारा 8 आया है, और 6 5 11 आया है ये हमारा। और इसको देखेंगे, 6 5 3 3 9 5 14 आया है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ रहा है। अब 10 लाइनें हैं, मतलब एन जो है वो हमारा कितना है? 10 है। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 10 आएगा। ठीक है, 8 10 आएगा। 8 10 की अगर हम वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी? ठीक है, चाहे 8 10 की वैल्यू निकालना तब जरूरी है जब हमको वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 × a+l। अगर हम 8 10 नहीं निकाल रहे तो डायरेक्ट हम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, 8 10 की वैल्यू हमारी क्या होगी? a+9d होगी। ठीक है, अगर हम d की बात करते हैं तो d हमारा क्या हो जाएगा? 8 में से 5 को हटा दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारी एक एपी बना रही है। और ए की बात करते हैं तो ए हमारा 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 + 9 × 3। ठीक है, 9 3 27, 27 और 5 हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हमारा आगे, एल हमारा कितना आ गया है? 32 आ गया। अब हम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? वो वाला छोटा वाला एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN = n/2 (a+l)। ठीक है, अगर हमें l ना निकालते, ये ना निकालते, तो हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, n/2 (2a+n-1)(t). ठीक है, पर हमने ये निकाल लिया है तो हम आराम से वाला छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो n की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है? 10 है, और n हमारा 10 है, अपॉन में 2 कर दिया। a की वैल्यू हमारी 5 है, l जो है वो हमारा 32 है। फिलहाल इसको काट लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, तो ये हमारा 5 और गुणे में क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। 37 कर देंगे, अब हम उसकी गुणा कर देंगे, 5 7 35, 3 हासिल 5 या 15 16 17 18, 185 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया है? 185 मीटर आ गया है। लेकिन ये जो हमारी दूरी निकली है, सिर्फ जाने की समझ लो या आने की समझ लो, एक साइड की निकली है। ठीक है, ये हर दूरी को 2 बार करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कुल डबल दूरी है, क्योंकि वो 2 बार दौड़ लगा रही है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल डबल दूरी। ठीक है, 2 बार दौड़ लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 से इसकी 3, ये हमारा 185 जो निकला है। ठीक है, 185 की हम कर देंगे गुणा, तो हमारा आ जाएगा 370 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको ये बाद में गुणा नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया गया है। ठीक है, हम इसको दूसरे पेज पे भी समझा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो तरीका हमारा होने वाला है, इसको इसमें ही थोड़ा एडिट करके हम दूसरे पेज में आपको समझा दे रहे हैं। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, अब हम इसी में ही समझा सकते हैं। जैसे कि हम डबल दूरी यहाँ पे तय करेंगे, डबल दूरी यहाँ पे तय करेंगे, डबल दूरी यहाँ पे तय करेंगे, डबल दूरी वहां पे तय करेंगे। चाहे तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लो, अगर ये नहीं करना है तो हम बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये हमारा 8 आया था, 8 दुनी, सब में 2 से गुणा हो जाएगी, 8 दुनी 16 हो जाएगा, ये 11 दुनी 22 हो जाएगा, और ये हमारा 14 दुनी 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और डी की बात करते हैं तो डी हमारा क्या हो जाएगा? 16 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, 8 10 की या एल की बात करते हैं, तो 32 आया था, 32 का दुगना हो जाएगा, तो 32 दूनी क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब हमारा यही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हमने लगाया है, बस ये फॉर्मूला S10 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या है? 10 n जो है 10 ही रहेगा। ठीक है, n हमारा 10 ही रहेगा, और यह हो जाएगा 10 + 64 हो जाएगा।
ठीक है, दो एकम दो, दो पंचे दस, 5 बार में काट दिया, अब हमारा यहाँ पे 5 आ गया है, गुणा हो जाएगी हमारी 74 से। ठीक है, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 5 से 35, 36 37। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगर हम इन सबको डबल कर रहे हैं तो बाद में हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिंपल से एक बार की दूरी जो है, मतलब सिर्फ जाने की समझ लो या आने की समझ लो, एक बार की दूरी देख रहे हैं तो हम बाद में हमको गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा समाप्त हुआ। हमने इसको आपको दो तरीके से बता दिया है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।